हेलो दोस्तों, आपने तो बहुत हलवा खाए होंगे। गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, लेकिन मूंग का हलवा मेरी तरह इस तरह से बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और बिना भिगोए और बिना हम खोया के बना रहे हैं, आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। एक बार जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट पर जरूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। और लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वही फेसबुक पर देख रहे तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने 1 कप मैंने मूंग दाल ले लिया है। इन्हें पहले हम साफ़ कर लेंगे। एक बाउल में इन्हें निकाल लेते हैं और 2-3 पानी से इन्हें अच्छे से साफ़ कर लेंगे हम, क्योंकि बहुत गंदा रहता है ये थोड़ा सा। तो इन्हें अच्छे से साफ़ कर लेंगे, जो धूल मिट्टी जो लगी रहेंगे वो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो जा रहा है ये। देखिए मैंने साफ़ कर लिया है और इन्हें छान भी लिया है इस तरह से। और एक कॉटन का कपड़ा हम ले लेंगे, उस पर इन्हें इस तरह से, और इसमें हम फैला देंगे इन्हें इस तरह से। फैला लेंगे और 5 मिनट के लिए इन्हें इस तरह से पोंछ के हम सुखा लेंगे थोड़ा सा। ये काफ़ी अच्छे से, देखिए मैंने पानी इसका पोंछ लिया है। जब तक ये सूख रहे हैं तब से इसके लिए चाशनी रेडी कर लेते हैं। तो मैंने 1 कप हमने दूध ले लिया है और उतना ही हम पानी डाल दे रहे हैं। 1 कप दूध है तो 1 कप पानी है। और जितना मैंने मूंग का दाल लिया था उससे मैंने 1.5 कप के लगभग चीनी डाल देंगे और अच्छे से इन्हें पिघला लेंगे हम। इन्हें चाशनी बिल्कुल नहीं रेडी करने, बस इनका चीनी पिघलाना है हमको। बस एक बॉयल आ जाए, इन्हें हम बंद कर देंगे। तब तक देखिए मूंग की दाल भी अच्छे से सूख गए हैं। इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे, के पाउडर रेडी कर लेंगे। और एक कढ़ाई ले लेते हैं, बड़ी कढ़ाई लीजिएगा, और इन्हें हम भून लेंगे थोड़ा सा। भूनने के बाद इन्हें हम ग्राइंड करेंगे। देखिए काफ़ी अच्छे से देखिए भून चुके हैं ये। देखिए काफ़ी अच्छे से सूख गए हैं ये। आपको ये कैसा लगा हलवा तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। देखिए भून चुके हैं अच्छे से, इन्हें हम निकाल लेते हैं और ठंडा होने पे ग्राइंड कर लेंगे। अब मैंने जितना मूंग लिया था उतना ही हम घी ले लेंगे। घी अच्छे से पिघल जाए फिर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम है, इन्हें हम थोड़ा सा भून लेंगे हम। ये अच्छे से थोड़ा सा भून जा रहे हैं, फिर इन्हें हम निकाल लेंगे। ये बहुत टेस्टी बनता है ये हलवा, एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से भून चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे अब। देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाल दिए हमने। अब इसी घी में हम 1 चम्मच सूजी डाल देंगे, 1 चम्मच हम बेसन डाल देंगे। इन्हें थोड़ा सा भून लेंगे हम, गोल्डन ब्राउन हो जाए अच्छे से। अच्छा बहुत ही टेस्टी हलवा बन जाता है। देखिए काफ़ी अच्छे से देखिए भून जा रहे हैं ये, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं ये। ये देखिए कलर भी काफ़ी अच्छे से चेंज हो गया है। इन्हें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये जलने का डर रहता है। अब जो मैंने मूंग का दाल था उन्हें हम अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए पाउडर मैंने बना लिया, इन्हें भी हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन्हें हम। ये देखिए काफ़ी अच्छे से देखिए मिक्स हो गए हैं ये। इन्हें भी गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें भून लेना है हमें।
देखिए काफ़ी अच्छे से कलर आ गया है इसका। इन्हें लगातार हम चलाते रहेंगे। ये देखिए तो थोड़ा दानेदार बनाने के लिए इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, इससे आपका हलवा जो रहता है काफ़ी दानेदार ये बन जाते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इससे रहता है कि आपका जो हलवा बनता है काफ़ी दानेदार बन जाता है, जिससे काफ़ी टेस्टी लगते हैं ये। ये देखिए काफ़ी अच्छे से इन्हें भून लेते हैं हम। देख कलर कितने प्यारा आया है, तो बहुत तेज देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब हम जो मैंने चीनी दो दो पानी का घोल मैंने रेडी किया था वो हम डाल देंगे और ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए काफ़ी अच्छे से हो गए हैं ये, और ये बॉयल भी हो रहे हैं। तो गले में प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा सा गला अजीब सा हो गया है, तो लेकिन इसी तरह से हम आपका रोज़ रोज़ वीडियो हम लेके आते रहते हैं। तो आप जो देखिएगा आपको बहुत पसंद आने वाला है ये, और पसंद आए तो लाइक का बटन जो प्रेस कर दीजिएगा, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे फेसबुक को पेज को फिर फॉलो कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने पानी कितना काफ़ी सोख लिया है ये, तो इन्हें लगातार हम चलाते रहेंगे। देखिए काफ़ी दानेदार लग रहे हैं ये, तो इन्हें लगातार हम चलाते रहेंगे। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये हलवा, थोड़ा सा और इन्हें पका लेते हैं। ये देखिए अब इसमें हम थोड़ा सा एक चम्मच घी डाल देते हैं, घी डालने से काफ़ी टेस्टी बन जाते हैं ये। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी काफ़ी टेस्टी थे ये। अब हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं इसमें, इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा, और लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और ये देखिए आपका ये हलवा जो है रेडी हो चुका है। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी है ये। तो अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए देखने में भी काफ़ी देखने में भी टेस्टी लग रहे हैं ये, और खाने में तो वाकई में बहुत टेस्टी है ये। तो ये देखिए मैंने प्लेट में निकाल दिया इन्हें, और कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जो बताइएगा, और लाइक का बटन जो प्रेस कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।